वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शालिनी और आज मैं अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन के बारे में। कैसा रहने वाला है, किन स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसको लेने के बाद। और जब से मैंने इसको लिया है, मुझे लिए हुए थोड़ा टाइम हो गया, तब से मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग। तो ये कार्डबोर्ड का है और जो अंदर आता है वो इस कांच की शीशी में है। 30 ml इसकी क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है वो है, जो MRP प्राइस लिखा है वो 599 है। ये मुझे 497 में मिल गया था और साथ में मुझे एक BB क्रीम भी फ्री मिला था, तो मुझे ये काफ़ी सही प्राइस में पड़ गया है। अब बात कर लेते हैं, इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक के गुण हैं, यानी कि ये जब आपकी स्किन पर लगेगा तो आपकी जो जितनी देर ये स्टे रहेगा तो उस हिसाब से आपकी स्किन को निखार भी मिलेगा। तो साथ में ये प्रोवाइड परफेक्ट कवरेज, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट कवरेज मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है तो ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देने वाला है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप टोन्स, या इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। जो मेरे पास शेड है 03 न्यूड ग्लो है, तो इसका जो शेड है वो मेरी स्किन पे तो ये वाला जा रहा है, बाकी इसके काफ़ी सारे शेड है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। मेरा स्किन गेहुआ कलर है तो 03 न्यूड ग्लो जाएगा स्किन पे काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप फुल कवरेज के बारे में सोच रहे हैं तो ये फुल कवरेज नहीं देगा। अगर डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है तो ये उसको हाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये ग्लो देता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्लो देता है। इस तरीके से है अंदर का प्रोडक्ट। और अगर आप चाहें तो मैं साइड में स्क्रीन में शेयर करूँगी सब कुछ, आपको कार्डबोर्ड के ऊपर जो भी दिया गया है वो सब कुछ शो होगा। डायरेक्शन फॉर यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साइड में दिख जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये इस टाइप से ना पंप है इस तरीके से, तो आप इसको बहुत इजीली आराम से निकाल सकते हैं। 30 ml क्वांटिटी है तो बहुत कम है, बस ये फाउंडेशन है तो शीशी पे इधर उधर चिपका हुआ है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, बट क्योंकि फाउंडेशन बहुत कम ही यूज़ होता है और कम क्वांटिटी में लगाते हैं तो ये इनफ है, काफ़ी टाइम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्किन टाइप, किस स्किन टाइप के लिए है ये। और ये स्किन टाइप यानी कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये परफेक्ट मैच है, यानी कि आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, एवरीडे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन काली नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें टर्मरिक है, विटामिन सी है, तो वो इंटरनली ग्लो देता है आपकी स्किन पे। लेकिन हाँ, आप घर में अगर आप बाहर जाते तो ही लगाइए, एवरीडे यूज़ मतलब मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करना नहीं बोल रही हूँ मैं, तो मेकअप के टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए मैं लगा लेती हूँ अपना जो है कॉम्पैक्ट, जो अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, यानी कि आप लूज़ पाउडर लगा सकते हैं, अपना मैट फिनिश वाला कॉम्पैक्ट रखिए वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन पर भी अभी गर्मियों में ना काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग जैसा लगता है, तो इसको सेट कर सकते हैं। बाकी ऑयली स्किन की अगर मैं बात करूँ तो ऑयली स्किन पर तो ये अभी समर में तो बिल्कुल जाने वाला नहीं है, लेकिन विंटर में ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए परफेक्ट जाने वाला है। अब इसको सेट करने के लिए चाहे वो ऑयली स्किन वाले हो या फिर ड्राई स्किन वाले हो, उनको है ना लूज़ पाउडर के साथ इसको सेट करना ही पड़ेगा। और अच्छा ग्लो देता है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए टिकता है, उसके लिए ये परफेक्ट है अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी स्किन काफ़ी जैसे ड्राई है, और जब हम लोग कोई फाउंडेशन लगाते हैं, ज़्यादातर फाउंडेशन जितने भी आए थे ना वो मैट फिनिश वाले थे, तो सभी के है ना वो केकी जैसा कर देते हैं, कहीं से पैचेस पड़ने लगते हैं, तो इसके साथ ऐसा नहीं है, आप बहुत लाइट फील करते हैं, मतलब फील ही नहीं होता कि आपने स्किन पर कोई फाउंडेशन जैसा कुछ लगाया हुआ है, तो कम्प्लीटली आप फ्री रहते हैं, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, लगाने के बाद एक मैट के लिए मैं जैसे बोल रही हूँ,
कॉम्पैक्ट तो हम डेफिनेटली लगाते हैं, चाहे वो मैट फाउंडेशन हो या फिर वो जैसा भी फाउंडेशन हो, हम लोग कॉम्पैक्ट का यूज़ करते ही करते हैं। तो ओवरऑल ये मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप बीबी क्रीम जैसे लगाते हैं डेली पर्पज़ से मेकअप करने के लिए, तो आप इसको डेली के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं। प्राइसिंग इसका थोड़ा सा हाई है, बट अभी काफ़ी सारे फाउंडेशन ऐसे आ गए हैं जो सीरम बेस है, तो मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों की ड्राई स्किन है ना, जो भी फाउंडेशन है जिस पे सीरम फाउंडेशन लिखा हो, तो वही परचेज़ करो। बहुत परफेक्टली जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने कोई फेस पे मेकअप किया हुआ है। एवरी डे के लिए जा सकता है, काला नहीं पड़ा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जैसे हम कुछ भी लगाते हैं तो फेस काला हो जाता है, ऐसा मैंने अभी तक कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया है। इतने वीक मैंने इसको अप्लाई किया है, लगाया है, बाहर रही हूँ, घर पे आई हूँ, तब भी मेरी स्किन को काफ़ी ना ग्लो कर रही थी। डल नहीं आने देता है, स्किन को डल नहीं होने देता है। जैसे कि आप एसी में जाते हैं तो फाउंडेशन है ना, बाहर तो बहुत सही रहता है, लेकिन एसी में आने के बाद है ना, स्किन बहुत ज़्यादा खिंचनी शुरू हो जाती है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसके साथ ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा मॉइस्चर बना रहता है और फाउंडेशन जैसा फील नहीं होता। अगर आपको ओवरऑल ऐसा कवरेज चाहिए कि हाँ, आप कंसीलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में, वो भी परफेक्ट जाएगा। यानी कि कंसीलर काफ़ी ड्राई मुझे लगता है होता है कि अंडर आई पे लगाते हैं, डार्क स्पॉट्स को छुपाने के लिए लगाते हैं, तो वो काफ़ी है ना पैची पैची लगना शुरू हो जाता है जब हम इतना ज़्यादा अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके साथ करोगे ना तो वो सब कुछ मर्ज हो जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स भी छुप जाएंगे, स्किन भी ग्लो करेगी और बहुत परफेक्ट लुक आता है। आप शादी है या कहीं भी इसको लगा के जा सकते हैं। ओवरऑल आप स्किन को बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपने स्किन पर कुछ बहुत ज़्यादा हैवी कुछ लगा रखा है या आपने फाउंडेशन लगा रखा है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि अभी तक मैं जो फाउंडेशन लगा रही थी वो अच्छा था, लेकिन सर्दियों में मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर ना फिर मुझे मॉइस्चराइज़र मिलाना पड़ता था, बट क्या होता है, हम उसको परफेक्टली ब्लेंड नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हाथों पे लेते हैं और फिर ऐसे 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 करते हैं, लेकिन वो अच्छे से ब्लेंड होता नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। तो वो टाइम बचा के मैंने इसको लिया है और ये परफेक्टली मेरी स्किन टोन पर भी जा रहा है। इसका फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, 03 न्यूड ग्लो है मेरा शेड। अगर आपकी स्किन गेहुए वाली है और उससे अपर है, यानी कि थोड़ी सी और फेयर है, तो ये शेड परफेक्टली जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद आप कॉम्पैक्ट तो डेफिनेटली लगाएंगे ही लगाएंगे। बिना कॉम्पैक्ट के तो कोई भी फाउंडेशन टिकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट या जो टैल्कम वाला जो भी हम फेस के लिए यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं, तो परफेक्ट जाने वाला है। पम फॉर्म में आता है और काफ़ी कांच की डिब्बी है, आप किसी और में भी इसको भर के ले जा सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको ये डब्बा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अंदर फोम लगा हुआ है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।